नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका जीके मैथ एजुकेशन यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि आयोग ने कितने नंबर पे कट ऑफ लगाने का निर्णय लिया है और कितने नंबर कटेंगे और कितने परसेंटेज पे एससी एसटी सभी के लिए कितनी कट ऑफ होनी चाहिए और कितने नंबर कट करके कितने नंबर आने वाले हैं और कितने पर वह पास होगा, तो इस वीडियो में बात करने वाले हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को जिसने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे आप कैटेगरी वाइज देख सकते हैं, यहाँ पे कैटेगरी और क्वालिफाई और मार्क्स यहाँ पे दे रखे हैं। जनरल के लिए 90 मार्क्स होने चाहिए, ये आपके 150 में से हैं जिसमें आपका 60% होना चाहिए। कुछ आयोग के अनुसार इसमें कुछ नंबर, इसमें आपके 4 नंबर ऐड होंगे और यहाँ पे 3 नंबर कटेंगे। तो ये आपकी जो आपत्तियाँ चल रही हैं, आपत्ति जो लगी हुई हैं, इन क्वेश्चनों की मैं बात कर रहा हूँ। फिर उसके बात करते हैं हम एससी की। तो यहाँ पे 82 पे वो क्लियर होगा और यह आपके 150 नंबरों में से अगर जो वह 82 लाता है तो 55% अगर जो मार्क्स होते हैं तो वो क्लियर होगा। तो इसमें भी कुछ उसके 3 से 2 क्वेश्चन कटेंगे और 2 से 3 क्वेश्चन जुड़ेंगे। और आगे बात करें तो एससी की हमने बात करी और एसटी के लिए भी 82% होना चाहिए 150 में से, तो ये भी 50% मार्क्स होने चाहिए। तो आयोग ने कुछ नंबरों को बढ़ाने का निर्णय लिया है जिसमें सभी के लिए एक गुड न्यूज़ है। अगर ये जानकारी आपको पसंद है तो वीडियो को लाइक शेयर करें। मिलेंगे अगली वीडियो के साथ। नमस्कार।